हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्राफ्ट आइडियाज़। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 10 डेज टॉर्नमेंट क्राफ्ट चैलेंज चालू था, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। सो अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तो मैं अभी उसे कंटिन्यू करने वाली। तो आज हम बनाने वाले डायमंड शार्पनर। सो उसके लिए लगे आपको एक वाइट प्लेन पेपर। सो आप अपने शार्पनर के हिसाब से उसके हाइट और लेंथ को ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक वाइट पेपर लिया और मैंने अपने शार्पनर के लेंथ और हाइट के मेजरमेंट लेकर मैंने उसे ऐसे मतलब कट किया। और आपको भी ठीक इसी तरह करना है। सो अभी आपको क्या करना है, इसमें डायमंड्स ड्रॉ करना है जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए। और बीच में ना तो गैप देना है। तो अभी आपको पता चलेगा कि गैप क्यों देना है। सो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद से आप इसे ट्राई कीजिएगा। सो आपको पता भी चल जाएगा कि इधर बीच में मैंने गैप क्यों दिया। सो आप देखते हैं, ये देखिए, ये आपको एक शार्पनर लेना है और ना इसे इस तरह से रखना है और ना इसके ऊपर अच्छे से मतलब थोड़ा सा ना साइड में आपको लास्ट में ना तो जगह चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से स्टिक कर सकें। तो ये देखिए, उसमें लेके मैं बस साइड में जगह है तो उसमें गम लगा के आप अच्छे से स्टिक कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉपरली स्टिक हो जाएगा। सो ये मैं आपको इसे स्टिक करने के बाद दिखाऊँगी। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्रॉपरली स्टिक हो गया है। आप भी कुछ इस तरह स्टिक कर लीजिएगा। सो अब ये स्टिक हो ही गया है तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसे मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास दो पेंसिल हैं और आप देख सकते हैं कितने छोटे, एक पे तो इमोजीज बने और एक पे छोटे छोटे बच्चे बने। सो आप देख सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कौन सा पेंसिल यूज़ करूँ, मुझे वही डाउट हो रहा है। तो दोनों में बहुत क्यूट लग रहा है तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि कौन सा यूज़ करूँ। सो मैंने सोच लिया मैं इमोजी वाला पेंसिल यूज़ करूँगी। सो अब मैं इमोजी वाला पेंसिल यूज़ करने जा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना एकदम स्मूथली शार्प हो रहा है। सो ये शार्प हो गया है, ये देखिए। इस तरह से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से वापस यूज भी कर सकते हैं। सो मैं ये कचरे फेंक देती हूँ और ये इसमें अटक रहे हैं, हाँ निकल गए, ये देखिए। फिर आपको इसे इस तरह लगा देना है। आप इसे ऐसे स्मूथली निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं जैसे आपको मन करें। सो आप देख सकते हैं कि हमारा डायमंड शार्पनर रेडी है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।